अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मुश्ताक मलिक और आप देख रहे हैं सना एनर्जी स्टूडियो माय यूट्यूब चैनल। आप मुझे जानते हैं, मैं आपके लिए हर रोज कोई ना कोई नया से नया बिजनेस आइडिया लेकर आता रहता हूं और बिजनेस आइडियाज भी ऐसे आपको बताता हूं जिनमें आपकी कम लागत हो और अच्छा खासा बेहतरीन रोजगार आपका बन जाए, जिससे अर्निंग भी अच्छी हो। तो आज की वीडियो भी बहुत खास है। जो दोस्त मेरे चैनल पर नए आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कर दें, ताकि जिन दोस्तों के पास बिजनेस नहीं है वो ये वाली वीडियो देखकर अपने लिए कोई ना कोई छोटा मोटा बिजनेस बना सके। तो आज का टॉपिक बहुत खास है, चलते हैं अपने बिजनेस आइडिया की तरफ। तो बिजनेस आइडिया है चावल। चावल की दो किस्में होती हैं। आप चावल कच्चा भी सेल कर सकते हैं और चावल आप पका कर भी सेल कर सकते हैं। तो दोनों मेथड, दोनों तरीके आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, मैं आपको बता देता हूं। तो नंबर वन पर कच्चे चावल का बिजनेस आपने किस तरह करना है, मैं आपको बता देता हूं। मेरे चैनल पर पहले भी वीडियोस मौजूद हैं, आप वहां पर भी जाकर उन वीडियो को देखकर भी आप सीख सकते हैं, नहीं तो ये वीडियो भी आपके लिए बना रहा हूं। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं, आपका किसी बड़े शहर से ताल्लुक है, छोटे शहर से ताल्लुक है, आप किसी गांव में रहते हैं, देहात में रहते हैं, कस्बे में रहते हैं, ये मैटर नहीं करता। आपको बस पाकिस्तान के अंदर रहकर फैसलाबाद से चावल खरीदने हैं, तो कामोकी से आपको चावल खरीदने की अब कोई जरूरत नहीं। वहां से आपने चावल नहीं खरीदने, आपने फैसलाबाद डजकोट रोड ग्रीन मार्केट से चावल खरीदनी है। पाकिस्तान की फैसलाबाद में बहुत बड़ी चावल की होलसेल की मार्केट है। आपने वहां से जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट है, लाख दो लाख चार, जितना भी आप चावल में इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। वहां से चावल उठाएं, उनको किलो दो किलो पांच किलो की पैकिंग करें, अपने पहले मोहल्ले से दुकानों से स्टार्ट करें, आहिस्ता आहिस्ता मेहनत करते जाएंगे तो आपका काम बढ़ता जाएगा। और फिर एक दिन ऐसा भी आएगा कि आप होलसेल डीलर चावल के मशहूर हो जाएंगे और आपका काम भी अच्छे तरीके से चलेगा। नंबर दो चावल ही है, उसका एक दूसरा मेथड, दूसरा रुख मैं आपको बताने वाला हूं। आपने चावल पका कर कैसे बेचना है, आपने बिरयानी का एक स्टॉल लगाना है। सबसे पहले कॉमन वेज से आप 40 से 50 हजार रुपए से यह काम स्टार्ट कर सकते हैं। आपने कच्चा चावल अपने ही शहर से किसी होलसेल की दुकान से खरीद लेना है। तो आपकी कामयाबी का जो राज है चावल पकाकर बेचने का, वो ये है कि आपने जब काम स्टार्ट करना है तो आपने सिर्फ 1 किलो कच्चा चावल लेकर पकाकर बिरयानी तैयार करनी और उसको सेल करना है। आप ये काम किसी शॉप पर भी स्टॉल लगा कर कर सकते हैं, आप ये रेडी पर भी सेल कर सकते हैं। और रेडी पर भी आपको नहीं सेल करने आते तो एक मोटरसाइकिल के पीछे स्टैंड बनवाकर पतीला वहां फिक्स करके भी आप चल फिर कर भी ये काम कर सकते हैं। ये काम बहुत इजी है, सिर्फ आपकी नियत पर डिपेंड करता है कि आप काम करना चाहते हैं या नहीं। तो उम्मीद करता हूं कि आज के मेरे ये दोनों बिजनेस आइडिया आपको अच्छे लगे होंगे। अगर मेरे बिजनेस आइडिया आपको अच्छे लगे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अपनी राय का इजहार करें, ताकि मैं और ऐसी वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने